क्वेश्चन है, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? पहले तो सैकेराइड्स क्या होते हैं यही आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है ना? सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स बोलते हैं। सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, सैकेराइड का मतलब शुगर से आया है वर्ड। कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो स्वीट होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं स्वीट होते, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसलिए उनको सैकेराइड बोल दिया जाता है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, ये जैसे ये एक एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का है, ये पॉली हाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें, देख रहे हो? ये एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज का एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें ओएच ग्रुप बहुत ज्यादा है, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, और CHO मतलब एक एल्डिहाइड है, तो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखो कितने सारे कायरल सेंटर हैं, ये सारे कायरल सेंटर हैं चार, इसमें ऐसी फ्रक्टोज होता है, जैसे एग्जाम्पल ये ग्लूकोज का हो गया, फिर ग्लूकोज से चल रहा है, तो ये सारे एग्जाम्पल ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ये तो ग्लूकोज ही है, फ्रक्टोज नहीं ड्रॉ किया हो गया, ग्लूकोज ग्लूकोज, चलो समझ गए ना, ये है कीटोन भी हो सकता है वहां पे एल्डिहाइड की जगह। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मतलब सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट मतलब सैकेराइड मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, ये सैकेराइड तीन तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है? ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज, इनको मोनोसैकेराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको आप हाइड्रोलिसिस करके फर्दर सिंपल यूनिट नहीं बना सकते, ठीक है ना? फिर होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ये मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन है ना ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को तीन पार्ट्स में बांट सकते हो, मोनो सैकेराइड्स ओलिगो ओलिगो सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कितने यूनिट्स मिलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में आपको बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, एग्जांपल शुगर, सॉरी स्टार्च, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे एग्जांपल पॉलीसैकेराइड के हैं। आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो बहुत सारे आपको मोनोसैकेराइड मिलेंगे। ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं इनके हाइड्रोलिसिस पे, एग्जांपल सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, ये एक्चुअली ये सारे डाइसैकेराइड्स हैं, मतलब अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 मिलेंगे आपको मोनोसैकेराइड। जैसे अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड हो गया। तो ओलिगोसैकेराइड कौन होते हैं? जो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करें हाइड्रोलिसिस करने पे, मोनोसैकेराइड होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से फर्दर सिंपल कुछ यूनिट ना मिले, उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं, एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोस। तो ये अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था, क्वेश्चन है कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड ए मोनोसैकेराइड। फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करके सिंपल यूनिट ना बनाया जा सके, किसका यूनिट? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का।
अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। नेचर में अंदाजा 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस।